चित्रकूट में पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय नदी बहती है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए चित्रकूट रेलवे स्टेशन से हमें ऑटो की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है, यहाँ से भी चित्रकूट के लिए आपको ऑटो वगैरह मिल जाती है। ये नदी खुद में कई राज किस्से और कई वर्षों पुराना इतिहास छुपाए बैठी है। उत्तर प्रदेश के रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों के पन्ना श्रेणी में एक गुप्त गुफा है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इस जगह को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमय चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। चित्रकूट के अन्य सभी पर्यटन स्थलों की तरह इसका भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। तो आइए आज जानते हैं कि इस जगह का रामायण से क्या संबंध है, श्री राम ने यहाँ कितना समय बिताया और भी यहाँ से जुड़े दिलचस्प किस्से, और दर्शन करते हैं गुप्त गोदावरी के। ₹20 की एक टिकट मिलती है, टिकट इधर 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 ये दो टिकट लिए ₹40 की। गुप्त गोदावरी में दो रहस्यमय गुफाएं भी हैं, जिनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं, हमें वहां बहुत खामोशी महसूस होगी। जितेन, आते जा रहे हो? ना बनाया मैं ही दूँ। इस गुफा में हमें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम गुफा की आखिर में पहुंचेंगे, खामोशी और सन्नाटा और भी बढ़ता जाएगा। गुफा के आखिरी में हमें एक तालाब मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुफाओं के बारे में कहा है कि गुफा बहुत ही संकीर्ण रास्ते से पहुंचा जा सकता है, जिसमें एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। अंदर जाने में गुफा बड़ी होती जाती है, आखिर में हमें धनुष कुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ हमें कई छोटे बड़े मंदिर दिखाई देंगे, हर मंदिर का अपना एक इतिहास और कहानी है। मंदिर में खटखटा चोर की मूर्ति दर्शनार्थों के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि ये खटखटा चोर पाप खाकर पेट भरता है और इसके दर्शन करने वाले के घर कभी भी चोरी नहीं होती है। मूर्ति के ऊपर लटकती यह काले रंग की शिला अपने आप में अचंभित करती है। हाँ
तो यहाँ पे जो दो गुफाएं हैं, एक गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम दूसरी में जा रहे हैं। दूसरी गुफा में घुसने पर हमें गुफा में पानी मिलेगा। जब आप गुफाओं को गौर से देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा विचित्र लगेंगी। इन गुफाओं को कई सालों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। हमें अंदर एक अलग तरह का ही रोमांच महसूस करने को मिला। भाई नीचे देखें, नहीं भाट जैसे गिरा तो फोन और दांत मुंह सब टूट जाएगा। चला तो है ना इधर? और क्या? हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती है। बाद में पानी को विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। कहा जाता है कि जहाँ से पानी निकलता है वह दानव मयंक का अवशेष है। यह भीड़ बहुत ज्यादा है। बाबा पारा गरम। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि माता सीता जब स्नान कर रही थी तब इसी राक्षस ने माता के कपड़े चुराने की कोशिश की थी। तब दानव मयंक के इस हीन काम के लिए लक्ष्मण ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है ना, गिर पर ये समझ ले, मजाक ना कर रहा हूँ। पानी ऊंचाई उठ गई ना यहाँ पे। यहाँ से वापस आना है। ऐसा कहा जाता है कि यह पानी भूमिगत गोदावरी नदी से जुड़ा है। अपने घुटनों पर ठंडे पानी के स्पर्श के साथ गुफाओं में नंगे पांव चलने का अनुभव एक रमणीय अनुभव रहा। बड़ी गुफा में दो पत्थर की नक्काशी वाले सिंहासन हैं जो भगवान और भगवान लक्ष्मण के कहे जाते हैं। किंवदंती है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण अपने निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। उस समय भगवान राम से मिलने के लिए कई देवता चित्रकूट आए थे। माना जाता है कि माँ गोदावरी इन गुफाओं में गुप्त रूप से श्री राम के दर्शनार्थ प्रकट हुई थी। भैया पैंट की ये हालत है। आओ आगे आगे जाकर नमस्कार।
यहाँ का एक अन्य आकर्षण गुफा के बाहर स्थित पंचमुखी शिवलिंग है। इसमें पवित्र त्रिमूर्ति अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक नक्काशीदार मूर्ति है। अंदर आप जाते हैं, ये हालत होने वाली है पैंट की। ध्यान रखिएगा, घुटने से ऊपर पानी है अंदर। अंदर आप अगर जाते हैं इसका ध्यान रखिएगा। और नीचे नीचे जो रास्ता है वो भी बहुत पथरीला है, बहुत बचा के जाने लायक है, अंदर हवा भी कम है। तो हम आ गए हैं दोनों गुफाओं के दर्शन करके बाहर। यहाँ कुछ ये दुकानें हैं, भीड़ रहती है तो दिक्कत होती है। और जिसको खासकर सांस लेने या सांस से संबंधित कोई बीमारी हो उसके लिए यहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा जब भीड़ ज़्यादा हो, क्योंकि गुफा अंदर बहुत संकरी हो जाती है, हवा बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अनसुईया आश्रम जाते हैं दर्शन करने, वो भी जो मंदाकिनी नदी के किनारे है। वहाँ से 5 किलोमीटर आगे ही आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। गुफा के बाहर ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए कई दुकानें भी हैं। अगर आप गुफा की कोई याद अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको स्मृति चिन्ह, लकड़ी से बनी हुई कलाकृतियां मिल जाएंगी, जिन्हें आप खरीद कर अपने घरों में एक याद की तरह सजा कर रख सकते हैं। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं करबी जो स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आप तभी ले पाएंगे। ऑटो भी मिल जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में आपको सती अनुसुईया, रामघाट, ये सब घूमते हुए यहाँ आना सही रहता है, क्योंकि आपको रास्ते में कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो चित्रकूट में फेमस हैं, तो आप पहले वो देखें उसके बाद फिर यहाँ आएँ। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जब आप यहाँ आएँ तो पता कर लें कि यहाँ भीड़ ना हो। ऑफ सीजन इस मौसम में आएंगे आपको चित्रकूट का भी अलग रूप देखने को मिलेगा। आप गर्मियों में आएंगे तो यहाँ के जो पहाड़ हैं एकदम से निर्जन हो जाते हैं, कोई भी हरियाली, कोई भी पेड़, एक पत्ता तक हरा नहीं दिखेगा। वहीं आप अगर बरसात के सीज़न में या बसंत के मौसम में आते हैं तो आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ और हरियाली देखने को मिलेगी। यही सबसे सही समय कहूँगा मैं चित्रकूट आने का। एरिया है यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पत्थर बहुत हैं तो वो तपते हैं गर्मी में और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव हमें कमेंट्स कर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।